आइए ना आप लोग, हमारा पीछा छोड़िए ना, जाइए ना, वो नेता सबसे ना पूछिए जो नेता सब है यहाँ। तो नेता पप्पू सिंह है, क्या पूछ रहे हैं, किस फेरा में पड़ल है आप लोग, जबरदस्ती हमको घेर के समय बर्बाद कर रहे हैं। किधर घूम रहे हैं इधर? देख रहे लतारा क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, तो हमें लगे कि प्रत्याशी है, घूम रहे हैं। तो क्या क्या एम है, क्या मिशन है सर आपका? मेरा एम है, मिशन है, जनता से हम जनसंपर्क कर रहे हैं, सभी लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं कि मुझे सेवा का मौका एक बार दीजिए। क्या विश्वास है कि इस बार पप्पू सर के साथ चलेगा यहाँ की जनता? जी, मुझे 100% विश्वास है कि जनता मुझे साथ देगी, एक बार मुझे सेवा करने का मौका जरूर देगी। क्या हाल है जी? ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं? हम तो आ रहे हैं, शिवहर गए थे। जी जी जी, इस बार बताइए ना, किनका लहर चल रहा है? लहर तो पप्पू सिंह मुखिया का है। अच्छा, क्या एक ईमानदार व्यक्ति है, कर्मठ है, और उनको कहीं खोजना नहीं पड़ता है, बिना खोजे वो हर जगह पहुँचे रहते हैं अपने क्षेत्र में। पंचायत में आज एक भी नाला नहीं बाकी है, कोई सड़क गली बाकी नहीं है जहां सड़क नहीं बना हो, जहां नाला नहीं बना हो। इंदिरा आवास सबसे ज़्यादा हमारे पंचायत में लोगों को दिया गया है, काम में सबसे आगे, हर जगह पब्लिक के आगे रहते हैं पप्पू सिंह। तो इस बार परिवर्तन का लहर है और जीतेगा पप्पू सिंह मुखिया ही। पप्पू सिंह जिंदाबाद। सब प्रत्याशी में, सब में भारी प्रत्याशी इसलिए कि ईमानदार प्रत्याशी और कर्मठ प्रत्याशी हैं। हर जगह जो है बिना किसी बुलाए, बिना उसके जानकारी होना चाहिए कि इस जगह ये हमारे पब्लिक को तकलीफ है, वहाँ पहुँचते हैं ये, और ईमानदारी पूर्ण कार्य करते हैं, हमेशा हम लोगों के बीच में रहते हैं। जमीनी नेता है पप्पू सिंह, एक जमीन पर रहने वाला नेता है जो हर जगह पर लोगों के साथ में रहते हैं। इससे जो चुनाव हो रहा था डिफरेंट हो रहा है, तो क्या इस चुनावी लहर में जो है पप्पू सिंह को लाभ मिल जाएगा? कोई डिफरेंस नहीं है, पप्पू सिंह हर तरफ पप्पू सिंह हो रहा है, पप्पू सिंह ही जीत रहा है चारों तरफ, जहाँ भी है पप्पू सिंह का नारा है, और कहीं कुछ नहीं है, ये दिखावा है इन लोगों का। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विभूतिनाथ पांडे, घर फतेहपुर नया टोला। आई काहेला फेरा में पड़ल है रे, कोनो नहीं जीतने जा रहा है पप्पू सिंह के आगे, कोई टक्कर में नहीं है, उससे ईमानदार बताइए है कौन, कौन आदमी उससे ईमानदार है? सब तो इंदिरा आवास में रिश्वत लिया, सब कमीशन लिया, यहाँ कोई रिकॉर्ड बता दे, एक भी व्यक्ति कोई पंचायत में साबित 15 साल में नहीं कर सकता है कि पप्पू सिंह एक पैसा किसी से रिश्वत लिया हो और बुलावे पे नहीं गया हो। यहाँ लोगों से भेंट करने के लिए लाइन लगाना पड़ता है, प्रतीक्षा करना पड़ता है, पप्पू सिंह स्वयं जाता है भेंट करने। पप्पू सिंह ही प्रतिनिधि ऐसा है जो कल्याण कर सकता है पब्लिक का, जनता का हित में वही एक व्यक्ति है, और हम लोग सब लोग उसके साथ हैं। हम लोग साथ नहीं है, नगर परिषद का 75% लोग पप्पू सिंह के साथ में है। अत्यंत वोट से हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। पिंटू कुमार। पिंटू कुमार जी, पिंटू जी आप बताएंगे कि इस बार शिवहर में किनका बोलबाला है ज्यादा? पप्पू जी का। क्या पप्पू सिंह, क्या खासियत है पप्पू सिंह में? यही खासियत है कि 15 साल मुखिया रहे हुए हैं मथुरापुर का हतारवा पंचायत का, बहुत अच्छा से विकास किए हुए हैं, और इनका 1 रुपया भी घुसखोरी नहीं है इनमें, और घुसखोरी को मिटाना चाहते हैं। जी, शिवहर में तो चुनाव का परिवर्तन का लहर है, हम लोग बदलाव चाहते हैं, और हम लोग के नज़र में अभी ईमानदार नेता एक ही वो भी दिखाई दे रहे हैं, तो पप्पू सिंह जी हैं। क्या क्या सुनिए, वो हमारे मथुरापुर कहतरवा पंचायत में लगातार 15 वर्षों तक मुखिया रहे और 1 रुपया घुसखोरी नहीं लगा, और ईमानदारी से काम करते हैं, उनमें ईमानदारी झलकता है, इसीलिए हम लोग सभी युवा का सपोर्ट है मुखिया जी के साथ। क्या नाम आपका? बजरंगी कुमार पांडे।